गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसमें ये फैक्टर थ्योरम है आपके यहां, तो इसकी डिफिनीशन तुमको नोट करनी है और समझनी भी है। लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। कोई px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन हो या ग्रेटर देन वन हो, एंड टू बी ए रियल नंबर, और यह एक रियल नंबर भी होना चाहिए, दैट इस प्रकार से कि pa इज इक्वल टू जीरो, देन x माइनस इज a इज ए फैक्टर ऑफ px। तो कहा जाएगा यदि a की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो x माइनस a जो होगा px का एक फैक्टर होगा। कन्वर्सली इसका अपोजिट, कन्वर्सली मीन्स अपोजिट, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस a px का कोई फैक्टर है, देन pa इज इक्वल टू जीरो। a की वैल्यू px में रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक बात हम समझा दें, छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, और जिनको पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उन्हीं को जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उन्हीं को वीडियो मिल पाएंगे, ग्रुप में नहीं डाले जाएंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं। सो दैट एक्स माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व। ये पॉलिनोमियल है तो लिखेंगे लेट px, px मीन्स पॉलिनोमियल इन x, x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व। तो क्या होगा, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x माइनस a यदि किसी पॉलिनोमियल यानी px का ये अगर फैक्टर है, इफ ये तभी होगा जब pa की वैल्यू जीरो होगी, देयरफोर यहां पर फैक्टर x माइनस थ्री है, यहां पर फैक्टर है x माइनस थ्री, x माइनस थ्री इज a फैक्टर ऑफ px, ये px का एक फैक्टर होगा। इट इज सफिशियंट टू शो दैट पी थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसमें p की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करें और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वह उसका फैक्टर होगा, यही हमें शो करना है। तो ये हो जाएगा p3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। ये हो जाएगा 27 माइनस 27, 4 थ्री जा 12 माइनस 12, प्लस का 27 माइनस का 27
कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 12 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। हैंस एक्स माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, यानी जो क्वेश्चन में पॉलीनोमियल दिया गया है उसका एक फैक्टर एक्स माइनस 3 होगा। क्यों होगा? पॉलीनोमियल में एक्स की वैल्यू 3 रखने पर वैल्यू 0 आ जाती है। ड्यू टू फैक्टर थ्योरम इट इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3x² प्लस kx+6। तो इसमें भी कहा गया है ये पॉलीनोमियल दिया गया है, ये इसका फैक्टर है। तो क्या होगा? ड्यू टू फैक्टर थ्योरम p-3, यानी p जो पॉलीनोमियल दिया गया है इसमें -3 वैल्यू रखने पर वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो 3 -3² प्लस k(-3) प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 -3 का स्क्वायर करेंगे 9, k(-3) यानी -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 27 -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -3k प्लस 27 एंड 6 ऐड करेंगे 33 इज इक्वल टू 0। -3k इज इक्वल टू -33। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33/3, डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 11 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहां पर ए और बी दो वैल्यूज निकालनी, सो दैट द पॉलीनोमियल x³ - ax² - 13x+b हैज x-1 एंड x+3 एज फैक्टर। यानी ये जो गिवन पॉलीनोमियल है इसके दो फैक्टर यानी x-1 और x+3 ये दोनों ही फैक्टर हैं, ये पहले से क्वेश्चन से ही बताया गया है, और इससे a और b की वैल्यू हमें निकालनी। तो इसको कैसे करेंगे? लेट px = x³ - ax² - 13x+b। अब इसमें कहा गया है सिंस x-1 and x+3 are factors of given polynomial, तो क्या होगा? अब एक बार x की वैल्यू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी p1 इज इट शुड बी 0 एंड p-3 शुड बी 0, ये वैल्यू रखने पर 0 आना चाहिए। अब x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करिए तो 1³ - a² - 13 × 1+b इज इक्वल टू 0 एंड -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -3³
माइनस ए इंटू माइनस थ्री स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस थ्री प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस ए माइनस 13 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस 27 माइनस 9 ए प्लस 39 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 9a माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, यानी 9a माइनस बी इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। इक्वेशन नंबर टू को 1 के नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9a माइनस बी इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन टू, बाय सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज करिए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 दैट विल बी 3, a इज इक्वल टू 3, ये एक आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन टू, तो 9 इंटू 3 माइनस बी इज इक्वल टू 12, 27 माइनस बी इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 27 माइनस 12, बी इज इक्वल टू 15, बी की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब वन नेक्स्ट क्वेश्चन और देखना है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये जो पॉलीनोमियल दिया गया है इसमें क्या ऐड करें कि इससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये आपका पॉलीनोमियल दिया गया है, क्यू एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। When, जब px को qx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी, when px इज डिवाइडेड बाई qx द रिमाइंडर बी इन लीनियर पॉलीनोमियल, ये लीनियर पॉलीनोमियल में होगा, तो लीनियर पॉलीनोमियल को हम लेट कर लेंगे, लेट आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉली, इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी तो इसको लीनियर पॉलीनोमियल कहेंगे। इसी को अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि बी एडेड, इसको ऐड करना चाहिए टू पी एक्स, पी एक्स में अगर हम इसको ऐड करें अपनी तरफ से लेट कर लिया
तो ये मान लेते हैं कि ये क्यू एक्स से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस आर एक्स, ये हो जाएगा। तो एफ एक्स हमारा क्या बनेगा, पी एक्स हमने यानी एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब इसमें अपनी तरफ से जो हमें आर एक्स ऐड करना है ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स है ये एक्स है, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस वन प्लस बी माइनस वन, ये बन जाएगा। अब जो हमारा क्यू एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस थ्री, माइनस वन कॉमन लेंगे एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लेंगे ये आ जाएगा एक्स माइनस वन। तो अब इसमें जो एफ एक्स हमने लेट किया है इसमें ये इसके जीरोज हो गए, तो एफ माइनस थ्री शुड बी जीरो एंड एफ वन शुड बी जीरो, जीरो आना चाहिए। अब माइनस थ्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री टू द पावर फोर प्लस टू माइनस थ्री क्यूब माइनस टू माइनस थ्री स्क्वायर प्लस माइनस थ्री ए प्लस वन प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे 81 माइनस 54 माइनस 18, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री ए माइनस थ्री प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री ए प्लस बी, अब प्लस के प्लस 81 माइनस के 54 है, माइनस 18 माइनस थ्री और माइनस वन, इनको सबको ऐड कर लेंगे ये आ जाएगा माइनस का 76 इज इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस, ये प्लस आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 5, केवल 5 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे 3a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब इसी तरीके से f1 जीरो करना है मुझे, f1 जीरो करना है तो यहां पर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4 यानी 1 की पावर 4 हो जाएगी प्लस 2 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 a प्लस 1 प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस a प्लस 1 प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी, अब प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, केवल वन बच रहा है, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी,
ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। अब इक्वेशन वन और टू को सॉल्व कर लेंगे। यहां पर ए प्लस बी माइनस वन यहां रखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ये इक्वेशन टू, एडिंग ये कैंसिल हो जाएगा, फोर इज इक्वल टू फोर, ए इज इक्वल टू फोर अपॉन फोर, दैट विल बी वन, ए की वैल्यू वन आ जाएगी। अब इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू, ए की जगह पर वन रखेंगे, वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, बी इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इज द आंसर। ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। ओके okay.